बतावला में सब बताएंगे, तेरे को कुछ बोलेंगे तब खाली सुनेगा, जब हम पूछेंगे तब बोलेगा। सुनो यार ध्यान दो, हेडिंग डालो ऑप्टिक्स, आई बोले खाली सुनने बोलने नहीं, सुनो ऑप्टिक्स। पहला बात होता है क्या, ऑप्टिक्स है क्या, सुनो ऑप्टिक्स होता है क्या, ऑप्टिक्स में लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है ऑप्टिक्स क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, क्या है इट इज, अरे इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, विच द स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ एंड इट्स फेनोमेना। साथ साथ लिखते भी जाएगा तुम लोग, जब बोलेगा रुक तब रुकेगा, नहीं तो फिर लिखते जाएगा, लाइट एंड इट्स फेनोमेना, फालतू बात नहीं। सुनो टाइम ऐसे कम है तुम लोग, व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना। मतलब ऑप्टिक्स में किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ लाइट के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे और उससे क्या क्या फेनोमेना होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे ऑप्टिक्स में, लाइट के बारे में और उससे क्या क्या फेनोमेना होता है उसके बारे में। देखो इसके ऊपर कहानी बहुत सारा है, ठीक है ना। इनिशियली शू कहो क्यों कोई हिलेगा नहीं बता, जब तक क्लास खत्म नहीं करेंगे। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना। तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसका उससे जितना फेनोमेना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इसका हिस्ट्री इधर क्या है, इनिशियली बात समझो बात को, होगा क्या था इससे, जब तक नहीं समझ आएगा तब तक समझ नहीं आएगा। देखो हुआ क्या था, इनिशियल वे में लाइट का बेसिकली न्यूटन का बहुत ज्यादा योगदान है हर चीज लाइट में भी, ठीक है। हुआ क्या था, लाइट को सबको मानता था क्या, पार्टिकल्स, फिर वेव, सही ना। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, उसको मतलब आया तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा पार्टिकल्स मानने लगा हमारा न्यूटन, ठीक है। फिर डी ब्रोगली आया, वेव मानने लगा, आइंस्टीन आया, दोनों मिला करके कहा कि ब्लर है, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों है, इट इज अ पार्टिकल बट प्रोपोगेट एज अ वेव, दोनों को फायदा उठा लिया, आइंस्टीन बना दिया, ठीक है। तो सुनो मतलब लाइट वेव की तरफ प्रोपोगेट करता है और पार्टिकल है, ठीक है। सब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे लाइन से, ठीक है ना। ऐसा कुछ हिस्ट्री है, इसी पर पढ़ते 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 बहुत सारा फेनोमेना हुआ, बहुत सारा रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, TIR, सब पढ़ेंगे लाइन से पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे, कैसे क्या हुआ, सबका डेरिवेशन पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जहां तक मान लें तुमको मतलब रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है सब भी तुमको पता नहीं है, ये सभी बताएंगे असली चीज ना, बेसिक। आज का लेक्चर प्योर बेसिक है, प्योर बेसिक मतलब आज का लेक्चर पूरा बेसिक है, सिर्फ एक तो लॉ जो बताएंगे जो बहुत अच्छा है, बस उसके बाद पूरा बेसिक है, भले ब्रेक के बाद जो स्टार्ट करेंगे थोड़ा अच्छा लेवल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर, आज की हिस्ट्री से हम लोग सबको पता है लाइट क्या था, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बोलो हाँ या ना। कैसे पता चला, देखो सनलाइट मिल रहा है उससे हम लोग सोलर पैनल लगा करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बोलो हाँ या ना। तो हम लोग क्या मान लो, एनर्जी कैन बी ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, बोलो हाँ या ना। मतलब वो भी एक एनर्जी है, दूसरा एनर्जी मिला, एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ रहे हो। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बोलो हाँ या ना। वहीं से हम लोग लाइट से हम लोग क्या करते हैं, कुछ गर्म कर दिए, हीट एनर्जी, मतलब एक एनर्जी याद रखना, हमसे यहां से क्या सीखे, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, बोलो हाँ या ना, ठीक है, बढ़िया से लिखो, ठीक है। सुनो थोड़ा सा बात, दरअसल यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग सबको पता ही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लोग पढ़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइट भी एक पार्ट है उसका। मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बोलो हाँ या ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, बोलो हाँ या ना, है ना, उसका एक पार्ट है। तो उसको क्या बोल सकते हैं, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का पार्ट है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सुनो, तो फर्दर क्या हुआ, ऑप्टिक्स को दो ब्रांच में भाग किया, मतलब भाग किया गया, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्यों बांटा गया, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट, है कि नहीं, और वेव कैसे प्रोपोगेट करता है, एज अ वेव। देखो तरह फंडा क्या, रे वेव समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों क्या होता है। देखो सब पहले बोले रे मतलब सीधा, फिर बोल रहे वेव मतलब तेरा, फंडा क्या समझ में नहीं आ रहा। देखो होता क्या, समझो बात को, कैसा कुछ होता है, सीन देखो क्या होता है इसका। पहले बात करते हैं वेव का, वेव मान लो ऐसे करके लाइट प्रोपोगेट कर रहा, मान लो ऐसे प्रोपोगेट कर रहा, ठीक है ना, और हम बोल रहे कि रे ऐसे करता है। ध्यान देखो, मान लो इसका ये पॉइंट ले लिया, 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 देखो अब ये पॉइंट को ज्वाइन करते, ध्यान दो, देखो क्या लग रहा, एक लाइन में जा रहा, तुम ये पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो, मतलब लाइट क्या कर रहा, एक ही लाइन में जा रहा, बोला है ना, मतलब लाइट जा रहा है एक ही लाइन में, लेकिन किस फॉर्म में जा रहा, वेव बन के, जब सांप चलता सीधा है लेकिन कैसे, ठीक है ना, ठीक है, मतलब प्रोपोगेट कर रहा है एज अ वेव। कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव, कौन सा वेव है, याद रखना, ठीक, लिख दे क्या, ट्रांसवर्स वेव, कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव। इसे बात छोटा छोटा बात पूछिएगा, बता दे रहे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 21 नंबर का सवाल, ठीक है, कौन सा, ट्रांसवर्स वेव। तो हम लोग स्टार्ट करें बढ़िया से, तुम लोग सब जानता है कि ऑप्टिक्स कितना तरह का होता है, दो तरह का, रे और वेव, ये गलत बात है। सुनो, हाँ बना लिया इसको, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, सब कुछ लिखना है जितना बोर्ड पे लिखेंगे, सुनो ना, बतौला कर रहा, ध्यान दो, ऑप्टिक्स होता है दो फॉर्म का, कितना, दो तरह का, कितना, ऑप्टिक्स को साइंटिस्ट लोग दो पार्ट में बांटा है, कितना पार्ट में, दो पार्ट में, ठीक है ना, कौन कौन है बताओ, अंतर रे ऑप्टिक्स और, देखो रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और एक है फिजिकल ऑप्टिक्स। एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। फिजिकल ऑप्टिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक का नाम है वेव ऑप्टिक्स, और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनो सुनो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सुनो, सुनो क्या हुआ, लाइट को दो पार्ट में पहले बांटा गया था, एक इसमें, एक रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम लोग लाइट को क्या मान लेते हैं, लाइट टू बी कंसीडर एज अ रे। बोलो है ना, लाइट को क्या मान लेंगे, इसमें रे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, रे, क्या मान लेंगे, कि वो एक सिंगल लाइन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। बोलो है ना, इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे दम भर, समझे ना। इसमें क्या होता है, इसमें दो फिनोमेना आता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, और क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। वेव, वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम लोग लाइट को क्या मान लेते हैं, वेव, क्या मान लेते हैं, वेव को, वेव ऑप्टिक्स में क्या मान लेते हैं, लाइट को, लाइट टू बी कंसीडर
एज वेव. इसमें क्या क्या फेनोमेना देखने मिलता है? इंटरफेरेंस, चैप्टर ही तो लुका, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये भी चैप्टर है, एंड पोलराइजेशन. हाँ, इसमें क्या पढ़िए पहले? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. इसमें क्या पढ़िए? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. सुनो, हकीकत क्या है? तुल्य ऑप्टिक्स में इतना और इतना ही कंसिडर करता है. ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये तुल्य को मॉडर्न फिजिक्स में डाल दिया. किसमें डाल दिया? मॉडर्न फिजिक्स में. किसमें डाल दिया? मॉडर्न फिजिक्स में. ठीक है ना, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स. क्या नाम देते हैं? क्वांटम ऑप्टिक्स. इसको क्या नाम देते हैं? क्वांटम ऑप्टिक्स. क्वांटम ऑप्टिक्स क्या बोलते हैं इसको? क्वांटम ऑप्टिक्स. इसमें लाइट को क्या माना गया पता है? लाइट को माना गया फोटोन. क्या माना गया? फोटोन, जो स्मॉल स्मॉल बैग जो एनर्जी कैरी कर रहा है. ठीक है ना, इसमें लिख लो. इसमें लाइट टू बी कंसिडर एज फोटोन. एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, उसे पढ़ेंगे बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कोई बता सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन? की कोई पढ़ा है? नहीं पढ़ा. वेन लाइट पार्ट वेन लाइट पार्टिकल्स फॉल ऑन अ मेटल सरफेस सरफेस सम इलेक्ट्रॉन एजेक्ट फ्रॉम दैट मेटल सरफेस. सर याद आ रहा कुछ? लोग बताएंगे कुछ. ठीक है, ध्यान दो. हो गया? लिखो बढ़िया. तो सुनो, ऑप्टिक्स कितने कितने टाइप के ऑप्टिक्स है? दो. रे और फिजिकल. फिजिकल कितना तरह का? दो. वेव और क्वांटम. क्वांटम यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बोला है ना, रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या मानते हैं? रे मान लेते हैं लाइट को. क्या क्या पढ़ाते हैं उसमें? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. सब पढ़ाएंगे पर क्लियर करेंगे. रिफ्लेक्ट क्या होता है, रिफ्रैक्ट क्या होता है, दोनों क्लियर करेंगे. ठीक है, फिर क्या होता है? वेव में क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे किसमें? क्वांटम ऑप्टिक्स में. ठीक है ना, तो यहां पर ऑप्टिक्स का पार्ट कौन है? रे एंड वेव. इसलिए हम लोग बोलते हैं रे और वेव ऑप्टिक्स है. ठीक है ना, इसमें हाँ फोटोन. फोटोन PHOTON फोटोन. प्रोटोन नहीं, फोटोन यानी स्मॉल बैग. फोटोन पता है तो लोगों को? नहीं पता ना, लिख लो. स्मॉल स्मॉल बैग ऑफ एनर्जी. स्मॉल स्मॉल बैग ऑफ एनर्जी. छोटा छोटा जैसे मान लो लाइट आया है, तो ये लाइट जो है छोटा छोटा बैग एनर्जी जो बैग. ठीक है ना, यही सब ध्यान में रहेगा. बुढ़िया रहेगा, खैनी रहेगा, खाना रहेगा. नहीं बोला, हमको बोल रहे हैं आप. हम बोले. अच्छा तुमने इसको बोला? सुनो, ठीक है, सुनो. ठीक है, चलो अब हम क्या बताएं तुमको? लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं, होता क्या है. ठीक है ना, थोड़ा सा बात करते हैं. ठीक है, मिटा इसको, मिटा दें. समझ में आ रहा सब को? जिसको समझ नहीं आएगा पूछेगा डाउट एट द एंड. हम क्या बताएं मित्रों? लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं. किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखो नाम क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. बात देखो, ध्यान दो. मतलब यहां पर इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा. ये वेव जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोपोगेट करेगा. क्या करेगा? मतलब आगे बढ़ेगा. देखो कैसा होता है, जैसे मान लो ये, देखो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. ठीक है, सुनो दिखाते हैं कैसे एक्स वाई जेड देखते हैं. दिखाते हैं, इसको बिग बेंच को देखो. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z, या फिर बोल सकते हैं ये x,
ये वाई ये जेड यानी एक्स वाई जेड कोई बोल सकता है तीन एक्सिस है ध्यान दो तीनों का एंगल कितना 90 डिग्री इसका भी 90 इसका भी 90 इसका भी 90 मतलब तीनों का एंगल कितना है 90 डिग्री तीनों कितना है 90 मान लो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा तो वेव किधर मूव करेगा ऊपर अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड तो वेव इधर इधर सही ना मतलब दो डायरेक्शन है मतलब जैसे मान लो बोलने चाहे तो मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा और इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा तो वेव किधर प्रोपोगेट करेगा इधर वेव प्रोपोगेट करेगा मान लो इधर सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट ठीक है ना यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ वेव समझ आ रहा ठीक है सी मतलब क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट याद रखना सी से किसको दिखाते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को जिसका वैल्यू कितना आता है कौन बताएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ठीक है एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा वेव किधर मूव करेगा जिधर में तीसरा डायरेक्शन ठीक है तीसरा एक्सिस ठीक है इधर हमारा क्या होगा प्रोपोगेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ऑफ वेव ठीक है अब इसमें कुछ कुछ बात गौर करने वाली चीज है ध्यान से देखो देखो क्या हो रहा E और B में कितना एंगल बन रहा 90 डिग्री बोलो भाई ना मतलब कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बोलो भाई ना कह सकते कि नहीं कह सकते क्योंकि 90 डिग्री बना रहा मैग्नेटिक फील्ड B मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिख देते मैग्नेटिक फील्ड B मतलब मैग्नेटिक फील्ड I मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है कहने का अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं ना तो उसका उल्टा भी तो हो सकता है अगर तुम्हारे ऊपर 90 डिग्री को भी 90 डिग्री बोला है ना वो लिखते नहीं है नेक्स्ट देखो ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे बोला है ना बोला है ना अब वेलोसिटी इज अ कैसा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बोला है ना वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बोला है ना ठीक है ना मतलब ध्यान तो ई और बी में मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट में जब मूव कर रहा उसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है ना इस हिसाब से देखें तो B इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर टू भाई बोलो हाँ या ना अरे हाँ या ना कह सकते कि नहीं कह सकते बोले देखो तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांसवर्स वेव यानी ट्रांसवर्स वेव किसको लाइट के बारे में बात की किसके बारे में बात किया लाइट के बारे में कैसा वेव है ट्रांसवर्स वेव सुनो जो खुफिया बात बताने वाले ध्यान से देखो एक्सपेरिमेंट देखो लिख लिया इसको देखो वी वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर हाँ कोई भी वेव हो सकता है कोई भी वेव के लिए बता रहे हैं ये पार्टिकुलर लाइट के लिए बता रहे हैं ठीक है ना सी में डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है लाइट के बारे में मजा आ रहा है ठीक है देखो उसके बाद में लिख रहा है अभी मिटाई नहीं देखो सुनो ये मान लो ब्लू कलर का जो मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक कलर का जो मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा रेड कलर का जो मान लेते हैं क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव समझो बात नहीं है फ्लेमिंग लेफ्ट तीन चीजें तीनों 90 डिग्री का लेकिन अब मान लो हम करते हैं ब्लू क्रॉस रेड तो इधर चल जा रहा है रेड तो इधर भी तो एंगल ऐसे निकला रहेगा ना ऐसे निकला रहेगा एक्सिस तो दोनों साइड रहता है ऊपर नीचे राइट साइड लेफ्ट बोला ना ध्यान दो अगर हम करते हैं ब्लू क्रॉस वेव तो वेव किधर जा रहा ब्लैक साइड भले उल्टा जा रहा बोला ना ब्लू क्रॉस रेड रेड क्रॉस ब्लू ब्लैक साइड ब्लू क्रॉस ब्लैक रेड साइड रेड क्रॉस ब्लैक ब्लू साइड समझ रहा मतलब क्या समझ में आ रहा कि अगर हम एक्स क्रॉस वाई कर रहे किधर जा रहे जेड वाई क्रॉस जेड कर रहे किधर जा रहे एक्स एक्स क्रॉस वाई में जेड तो वाई क्रॉस एक्स में माइनस जेड देखो देखो सीन देखो सीन सीन समझ में नहीं आ रहा
एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है, बोलो है ना। सुनो सुनो, अगर हम ई मतलब एक्स क्रॉस वाई कर रहे हैं कहां जा रहे हैं जेड, और अगर हम वाई क्रॉस जेड कर रहे हैं किधर जा रहे हैं एक्स। सर जेड क्रॉस एक्स कर रहे हैं किधर जा रहे हैं वाई, किधर कर रहे हैं जा रहे वाई। सुनो अब हम उल्टा जाएंगे, सुनो वाई क्रॉस एक्स जाएंगे तो माइनस जेड, जेड क्रॉस वाई जाएंगे तो एक्स। लाइन से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, उल्टा जाएंगे अपना अरेंज कर लेंगे आराम से। तो कहने का अर्थात क्या है, ध्यान दो इसको नोट कर लेना अपने अलग से, ठीक है ना। देखो कहने का अर्थात क्या, सुनो अगर तुम बोले ई क्रॉस बी दो डायरेक्शन है, दो एक्सिस ई क्रॉस बी, तो प्रोपोगेशन किधर होगा, इधरों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बोलो है ना, ऐसे लगाए मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर तो अरे लग रहा है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम ई क्रॉस बी करते ई क्रॉस बी क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव किधर निकलेगा, ऊपर निकलेगा ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड वेव किधर जाएगा ऊपर। कैसे पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेव किधर जाएगा ऊपर, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, वेव किधर गया, समझा स्क्रू। मतलब ई क्रॉस बी हमारा क्या दिखाएगा, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। राइट हैंड स्क्रू रूल, जब स्क्रू कैसे खुलता है ऊपर खुलता है ना, है कि नहीं, ऐसे ऐसे घुमा स्क्रू पर घुमा, अब ऐसे करेंगे ऐसे स्क्रू अंदर जाए नीचे स्क्रू कैसे घूमता है, सर स्क्रू खोला है कि नहीं खोला है, सर नोट करो नोट करो। कुछ कुछ बात और नोट करने वाली चीजें ध्यान दो, अगर तुमसे कुछ पूछ ले E नॉट, सुनो ये E नॉट बाय B नॉट का रेशियो याद रखना, वो क्या होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं C, क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है E नॉट बाय C नॉट, E नॉट बाय C नॉट, E नॉट बाय C नॉट, ठीक है ना। अगर तुमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें, रिफ्रैक्टिव यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाते हैं, म्यू से, किससे दिखाते हैं म्यू या फिर एन, म्यू या फिर एन, बुक में एन दे देगा या फिर कहीं भी एन दे देगा वही समझ लेना, ठीक है ना, या फिर म्यू, ठीक है ना, म्यू नॉट, ठीक है ना। सो क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, सब समझाएंगे लाइन से समझाएंगे, डोंट वरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाय वी, क्या होता है सी बाय वी, सी बाय वी, नोट करो। तो एक और फॉर्मूला था इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बाद में पता चलेगा, अंडर रूट म्यू आर बाय एप्सिलॉन बाय बी नॉट वाला आया तो क्वेश्चन दियो, हां ई नॉट बाय बी नॉट वाला आया, हां हमेशा आपका है, देखो लिख लिया, लिख लिया वो लिख से, और ये तरीका जा सब ध्यान दो, आगे देखते हैं ईएम वेव्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है ध्यान दो, ध्यान दो ईएम वेव्स हैंड डाले, यहां पर लिख दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी जो पॉइंट बताने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना, लिखो सारे ध्यान से लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर बात कर तो लो, आवाज नहीं आना चाहिए, लिखने के लिए मुंह का जरूरत नहीं पड़ता, हाथ की जरूरत पड़ता है कि सबको बोल रहे हैं, नहीं सुनाई देगा तुम लोग को, सुनो लिखो। नंबर वन पहला पॉइंट, ईएम वेव्स यानी ईएम वेव्स बोले तो किसका, क्या हो ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, ईएम वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, मीडियम फिर बतौला कर, तू सुनता ही नहीं, तू लग रहा कुत्ता का पूछ जैसा है, सुनो ईएम वेव्स होता है
इसलिए एग्जाम सामने तो सुना ही नहीं देता ध्यान दो, फिजिक्स का सिलेबस खत्म करना है, ऐसे करेंगे कैसे खत्म करेंगे हम? छोटा मोटा टॉपिक है ऑप्टिक्स, पता है कितना दिन का चैप्टर है? अगर डेली हम 6 घंटा पढ़ाए ना 7 घंटा, तब जाकर के 7 दिन 8 दिन में खत्म होगा। स्कूल जैसे पढ़ा देंगे तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन स्कूल जैसे पढ़ा कोई फायदा नहीं, क्या कोई सवाल नहीं बनेगा। इसमें एक छोटा छोटा पॉइंट लिखा, पॉइंट लिखाते ही नहीं, गारंटी बता रहे हैं। अगर इसको कभी पढ़ाते तो नहीं लिखाते, लास्ट ईयर पढ़ाए तो नहीं पढ़ाए, नहीं लिखा है, लेकिन इसे पॉइंट लिखा रहे तो लोग समझ ही नहीं रहे बात खोज के लाए हुए। ईएम वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट, मतलब प्रोपोगेशन के लिए ईएम वेव्स। अब बोलेगा ईएम वेव्स क्या हवा है तो जा रहा, खाली रहा तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं जाएगा, उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, सही बात। तो मीडियम दो या ना दो फर्क पड़ने वाला नहीं है, सही बात, सही बात, ठीक है ना। कोई मीडियम नहीं रहेगा तो भी वो प्रोपोगेट करेगा, हवा रहेगा तो भी वो प्रोपोगेट करेगा, ठीक है ना। लिखो इन फ्री स्पेस, और नेक्स्ट पॉइंट लाइन से लिखा रहे। हाँ क्या बोला? जैसे मीडियम बोले तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट, हाँ तो अलग अलग उस तरह से रिफ्लेक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, हाँ मुड़ेगा तो इधर होगा उधर होगा, सब आगे का फैलन ना, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ेंगे, पानी ला देंगे, शीशा ला देंगे, सब ला देंगे, चिंता मत करो, सब कुछ करेंगे। इन फ्री स्पेस द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब खाली जगह हो गया, फ्री स्पेस हो गया, तब ईएम वेव्स का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है हमेशा याद रखिएगा, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। बोलो, अरे वही चीज है स्पीड वेलोसिटी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब लाइट क्या बताते हैं, एक बात ही बताते, लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी में स्पीड में चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो वही तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ। स्ट्रेट लाइन से छोटा पाथ कोई हो सकता है? तो फिर सेंस लगाओ। नंबर 3, ईएम वेव्स इज ट्रांसवर्स इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, पूछ लेगा ईएम वेव्स इज डिस इन नेचर, लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स ऐसे दे देगा तुमको, ठीक है ना, लिख देना। ईएम वेव्स इज ट्रांसवर्स इन नेचर, सुनो देखो होगा क्या, इजी क्वेश्चन गिरे चाहे हार्ड क्वेश्चन गिरे, हर एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, मतलब प्रायोरिटी सब क्वेश्चन का बराबर है। तुम इजी सॉल्व किया, हार्ड सॉल्व किया, पता किसी चलने वाला नहीं है, तो इजी क्वेश्चन को भी उतना ही महत्व दो जितना हार्ड क्वेश्चन को दे रहा है, ठीक है ना। ईएम वेव्स इज ट्रांसवर्स इन नेचर। नंबर 4 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ एंड प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स आर ऑर्थोगोनल। समझो बात को, हाँ नया काम आया, देखो हाँ 90 डिग्री देखो होता है क्या, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, मतलब राइट एंगल, क्या बोल सकते इसको, राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स, जो अभी बताया था ना, इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मान लो मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव प्रोपोगेशन किधर रहेगा, ऊपर, तीनों बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल, तो याद रखना ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स क्या रहेगा, ऑर्थोगोनल, क्या रहेगा, ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। देखो यहां पर बहुत सारा रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है कि नहीं, विजिबल रीजन है, तो विजिबल रीजन का एक वेवलेंथ होता है, कहां से कहां तक लाइट करता है कोई बता सकता है? विजिबल रीजन कहां से स्टार्ट होता है, 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम से, कहां से स्टार्ट होता है, 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम से, जाता है कहां तक, 7000 तक, कहां तक, 7000। इसमें लिख लो विजिबल रीजन कितना, लिख लो नंबर 5, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन का जो वेवलेंथ होता है, विजिबल रीजन का वेवलेंथ, विजिबल रीजन का वेवलेंथ कितना होता है कोई बता सकता है, 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम, 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम, मतलब बोले तो 4000 × 10^-10 मीटर, बोलो हाँ है ना, याद रहेगा,
वन डिग्री एंगस्ट्रॉम मतलब 10^-10 मीटर, याद रखना, 7000 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक, 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम से लेकर कहां तक, 7000 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक, कहां से एंगस्ट्रॉम, देखो लिख दो, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, देखो वन डिग्री एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। तो इस हिसाब से तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, जैसे मान लो 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, तो बोले तो 4000 × 10^-10 मीटर, बोलो हाँ है ना, तीन गो गया, बोलो हाँ है ना, 5 − 7 मतलब बोले तो इसको 4 × 10^-7 मीटर, सही बात, ठीक है, मतलब 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, याद आएगा मान, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, लिखना है इसको, लिख लो बढ़िया से, जिसको नहीं पता है ठीक। कुछ कुछ और होता है, जैसे देखो एक और दिखा देते हैं, पिकोमीटर माइक्रोमीटर तो पता है सबको, सबको बताने जो दिया आगे तेरे आते रहेगा तो बताते रहेंगे, ठीक है ना, नोट करो, नोट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी लिखना है, क्या लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। सुनो होता क्या, सुनो, बहुत ईएम वेव्स जो होता है, मतलब ईएम वेव्स, बहुत सारा ईएम वेव्स है, तो सबका क्या रहेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्या रहेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा, बोलो है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर। तो लाइट जो है 7 कलर से मिक्सचर, हम लोग जानते हैं, अभी नहीं जानते क्योंकि अभी पढ़े नहीं है, मान के चलो अभी हम लोग नहीं जानते, ठीक है ना। तो सुनो, बहुत सारे ईएम वेव्स आया, उसका अपना अपना कुछ ना कुछ कलर होगा, कुछ ना कुछ कलर होगा, बोला है ना, तो कुछ जिसका जो अलग कलर होगा तो उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, अलग अलग वेवलेंथ होगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर 6, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सब समझाते हैं बढ़िया से, एक एक पॉइंट को बढ़िया से, कहां कहां से खोजा हुआ तो लोग ये जानता है सब, बुक में है ही नहीं तो लोग सारा पॉइंट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर, द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर, द नंबर ऑफ कलर इन द विजुअल रीजन इज इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ कलर इन विजिबल रीजन इज इनफाइनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ठीक है। विजिबल रीजन से देखो, पहला रीजन है यूवी रीजन, फिर आ गया तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन, फिर इंफ्रारेड रीजन, ऐसा करके आते रहा, ठीक है ना। समझ, तो उसी में विजिबल रीजन में बहुत सारा स्पेक्ट्रम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना वेव है, तो हर एक वेव का बहुत सारा अलग अलग कलर है, तो वही बोल रहा है कि विजिबल रीजन में जो हमारा कलर दिखता है जो वेव वेव्स का, कितना है कलर है, इनफाइनाइट कलर है, कितना कलर है पता नहीं, कितना है, कितना है इनफाइनाइट है, कितना है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस डिफरेंट सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब हर एक जितना भी फ्रीक्वेंसी रहेगा सबका कलर कलर क्या रहेगा, अलग रहेगा, और विजिबल रीजन में कितना कलर है, इनफाइनाइट, कितना है इनफाइनाइट, ठीक है, नोट करो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पता है, बहुत भयानक बात सुनने वाला, बट आवर आई डिस्टिंग्विश ओनली 6 कलर। हाँ, यहां तगड़ा खा गया मार, 6 कलर, कितना कलर देखा, इसलिए बोल रहे बहुत भयानक भयानक चीजें सीखे रहे, नोट डालो। तो अभी देखो, अभी 10th का ऑप्टिक्स और 12th का ऑप्टिक्स में क्या रहता है, लिखो, नोट डालो, आवर आई डिस्टिंग्विश ओनली 6 कलर। ये बहुत सारा पॉइंट है, क्या हुआ, यहाँ ना आगे नहीं नहीं अमन के पास बैठ जाओ, हमारी तरफ भैया बोल देखने।
फिर बात करना, चेंज चेंज करना प्लेस से बात करने तक। उसके बगल बड़े खराब है उसको, क्यों खराब? ओ अच्छा सुनो भाई, हेलो ने आवर आई डिस्टिंग्विश ओनली सिक्स कलर, कौन कौन बता सकता है? कोई कौन बता सकता है? भी बी जी वाई ओ आर, आई नहीं इंडिगो नहीं, कौन नहीं? इंडिगो, क्योंकि ब्लू से वो इंडिगो बना लेते हैं, ठीक है ना? हम भिबग्योर, भिबग्योर के भैया मैं आई हटा दो, आई हटा दो, ठीक है ना? भिबग्योर ठीक है, भिबग्योर समझ में आ गया, पसंद अच्छा नहीं लगा, ठीक है। इसे बहुत भयानक बात रखो, बेटा इसको पॉइंट बेटा नहीं, ओके जल्दी जल्दी अभी बहुत पॉइंट है, दो तीन पेज लगेगा पॉइंट में। पहले बेसिक क्लियर कर ले तब ना जाएंगे चैप्टर में, अभी तक चैप्टर में घुसे नहीं है। पीछे निकले सारे आगे देखो, कितना नंबर पॉइंट चाहिए? अरे कितना नंबर था? नेक्स्ट देखो सात नंबर। आई इज मोस्ट सेंसिटिव, आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येल्लो ग्रीन, टू येल्लो ग्रीन कलर। आई जो होता है ज्यादा सेंसिटिव किस पे है? येल्लो ग्रीन कलर पे। कोई देखना येल्लो ग्रीन कलर का पहनने का है ना, बहुत ज्यादा हम आंख में चुभता है कि नहीं? बहुत ज्यादा आंख चुभता है, रित्री क्या कलर का, ठीक है ना? दैट इज लेंथ ऑफ वेवलेंथ, इसका इसका जो इसका जो वेवलेंथ का लेंथ कितना होता है बता सकता है कोई? लेंथ ऑफ वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वेव कितना होता है बता सकता है कोई? कोई बता सकता है? 5500 डिग्री एंगस्ट्रॉम, कितना होता है? 5500 डिग्री एंगस्ट्रॉम। दरअसल 5550 होता है लेकिन 500 लिख चलता है, ठीक है ना? 50 लिखना चाहता है लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? 5550 लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगभग मान के चलते 5500 बैलेंसिंग रहता है। ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है? हां एक्यूरेट है ये वाला, लगभग एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल में कोई भी चीज एक्यूरेट अप्रोक्सिमेट होता है, सब अप्रोक्सिमेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जैसे ग्राफ दिखा दे, क्या ग्राफ दिखा दे? देखो ग्राफ दिखाते हैं। अच्छा ये विजिबल रे कहां से, विजिबल रीजन कहां से स्टार्ट होता है? 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम से, बोलो हाँ या ना? ये मान लो 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना? ये विजिबल रीजन 4000 से स्टार्ट हुआ, खत्म कहां होता है? 7500 में, बोलो हाँ या ना? कितना में? 7000 में, हाँ 7000 में, 500 बढ़ा दे वो इसका 500 था ना, 5500, और ये कहीं ना कहीं बीच में आएगा 5550, बोलो हाँ या ना? सुन अरे बात कर सुन, तो क्या होगा? सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है? येलो ग्रीन का, जिसका 5550 डिग्री एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है। मतलब सेंसिटिविटी इधर के इधर बना लेते हैं, इधर मान लो वेवलेंथ है लैम्डा है, तो इधर मान लो सेंसिटिविटी, sensitivity of eye, देखो ठीक है ना? sensitivity of eye सबसे ज्यादा किस पे दिखेगा? 5550 वाला पे, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये पीक पॉइंट रहेगा, ये पीक पॉइंट रहेगा, बोला है ना? मतलब 4000 से स्टार्टिंग हुआ विजिबल रे, वहां से गया कहां पर गया? हाईएस्ट 5550 पे गया। ये कौन सा कलर दिखाया गया यहां पर? येलो ग्रीन कलर। येलो ग्रीन मतलब येलो और ग्रीन सेपरेट किया? हाँ, नहीं नहीं मिला हुआ, मिला हुआ उस टाइप में, ग्रीनिश टाइप का येलो जो नहीं होता, अरे टाइप में जो चमकता है बहुत ज्यादा, अरे हाईलाइटर और लाइटर टाइप में, ठीक है।
सात हजार डिग्री एंगस्ट्रॉम लेंथ पर, ठीक है ना, एंड करेगा कहां पर, विजिबल रीजन, ये कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन नोट करो, बढ़िया ज्यादा नोट कर लिया, लिख लिया, नोट हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखा, अब खाली लिखते जाओ छापते जाओ, बाकी बात समझाते बढ़िया से दम लाइन से, ठीक है। देखो सुनो, रेजिस्टेंस ऑफ आई, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रुकावट, क्या होता है रुकावट, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ आई इज 1/10 सेकेंड, 1/10 मतलब 0.1 है ना, अरे 1/10 पता है कि नहीं, इतना मैथ का पता होगा ना, 0.1 सेकेंड मतलब रेजिस्टेंस ऑफ आई कितना है 0.1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड को 10 बार भागा कर दे, एक सेकेंड को 10 बार भागा कर दे, ठीक है ना, तो उसका रेजिस्टेंस है, मतलब कहने का अर्थात क्या है, जैसे मतलब सुनो, इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लाइट पल्सेस इज लेस देन 0.1 सेकेंड देन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम सेपरेटली। देखो समझो बात को, क्या ध्यान समझो, मान लो यहां पर जैसे क्या है, सुनो जैसे अचानक तुम रास्ता में जा रहा है, ठीक है, सुनो रास्ता में जा रहा है, क्या होता है, मान लो पटरी पे है, अब अचानक से सुनो ट्रेन पे जा रहा, सुनो ट्रेन पे जा रहा ना, खिड़की से बाहर देख रहा, पटरी को देख रहा, मान लो इसे जा रहा देखा एक जगह पर, मान लो कुछ गिरा हुआ है, मान लो मोबाइल गिरा हुआ, फटाक से पार हो गया, तुमको समझ में आ जाएगा कि नोकिया मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है, नहीं समझ में आया, अरे जैसे मान लो अचानक से तुम घूम गए, समझ में मतलब घूम गया अचानक से, तो टाइम इंटरवल सुनो 0.1 सेकंड से अगर टाइम इंटरवल कम रहा तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आई, सही है, ठीक है ना, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ आई क्या हो गया, कितना है वो 1/10 सेकंड, मतलब 0.1 सेकंड। इफ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, मतलब टू सक्सेसिव, दो अलग अलग के बीच में टाइम इंटरवल, ठीक है, अगर दो अलग अलग चीज के बीच में टाइम इंटरवल कितना रहा, लेस देन, कितना रहा, लेस देन 0.1 सेकेंड, देन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश, मतलब देन सेपरेट, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब फर्क फर्क नहीं कर सकते कि कौन क्या चीज था, बढ़िया से क्लियरली समझ लो, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या, द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई इज 1 मिनट, टू ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, ठीक, सुनो ये रिजॉल्विंग लिमिट वाला जो बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, इसके बीच में मान लो डिस्टेंस कितना है डी, यहां पर मान लो किसी का आंख है, ठीक है ना, यहां से देख रहा, ठीक है ना, ये कितना डिस्टेंस है डी दूरी पे, ठीक है ना, ये मान लो देख रहा, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये पहले इसको देखा फिर बाद में इसको देखा, ठीक है, डायग्राम तुरंत बन गया रहा है ना। देखो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, ये आंख हमारा देख रहा है, ठीक है ना, ये कभी इसको देखा कभी इसको देखा इसको, तो क्लियरली मतलब बहुत बढ़िया से मतलब रिजॉल्व करना है सब चीज पर, मतलब तक बढ़िया से एक कम से कम एक मिनट का टाइम चाहिए नॉर्मली के लिए, बता वही बोल रहा है, इसको रिजॉल्विंग लिमिट कितना है 1 मिनट, उसको कुछ दूरी पे रहना चाहिए, डिस्टेंस डी का दूरी पे रहना चाहिए, बस यही बहुत बात बोल रहा है, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो क्या, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, अगर सिंगल वेवलेंथ का कोई लाइट है, सिंगल वेवलेंथ मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर सिंगल वेवलेंथ है उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सिंगल होगा, क्या होगा, सिंगल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी किसे दिखाते हैं, म्यू से, किसे दिखाते हैं, और वेवलेंथ को किसे दिखाते हैं, लैम्डा से, किसे दिखाते हैं, याद रखना, ठीक है ना, वेवलेंथ को किसे दिखाते हैं, किसे, लैम्डा से, और फ्रीक्वेंसी को म्यू से, तो हम लोग क्या पता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय, व्हाट इज सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला याद रखना, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ध्यान देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोला है ना, तो देखो अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी रहा, यहां लिख देते हैं, नोट डाल देते हैं यहां पर, नोट, सिंगल फ्रीक्वेंसी रहा या फिर वेवलेंथ रहा, जो भी,
सो क्या बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, क्या बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, सिंगल क्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक लाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है सब बताएंगे तुमको ये लाइन जो है ना सब चीज लाइन से मिलेगा, अभी बता देंगे कुछ समझ में तुमको आएगा नहीं, सब डिटेल में पढ़ाएंगे इसलिए बोल रहे हैं सब डिटेल में पढ़ाएंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाइक्रोमेटिक सब पढ़ाएंगे डिटेल में, सब बताएंगे डोंट वरी, तो लोग कुछ नहीं एट द एंड ऑफ द चैप्टर तुम्हारे पास डाउट नहीं बचेगा, ठीक है बस नहीं बचेगा हम बता रहे ना, नहीं पढ़ेगा तो डाउट ही डाउट बचेगा, हम पढ़ाने के बाद रिवीजन नहीं करेगा तो ये कंडीशन बन जाएगा, हाँ रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है क्या हाँ सब बता रहे सब बता रहे तुम, सब बता रहे हो कौन तुम, डबल टू फ्रीक्वेंसी डबल टू बोल सॉरी हम उल्टा बोल दिया, टू फ्रीक्वेंसी हो या दो वेवलेंथ हो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे डाइक्रोमेटिक, क्या बोलेंगे डाइक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक लाइट बेसिकली ओरिजिन होता है, सिखाएंगे बढ़िया से कैसे ओरिजिन होता है, ठीक है ना, सुनो तुमसे सवाल पूछ सकता है, सुनो तुमसे सवाल क्या पूछ सकता है, सुनो ओए सवाल क्या पूछ सकता, विच लाइट इज नियरेस्ट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्या बोलेगा सोडियम लाइट इज द नियरेस्ट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, याद रखेगा सिंगल ओरिजिन से बात की, चलो मान के चलो सिंगल ओरिजिन एक जगह जो निकला सही बात मान के चलो, फिलहाल के लिए इसी मान के चलो, इंटरफेरेंस पढ़ाएंगे बढ़िया समझाएंगे क्या होता है मोनोक्रोमेटिक, सही बात सब चीज पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन प्रिंसिपल पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे बढ़िया, कोई कलर नहीं उतना जरूरत नहीं है, व्हाइट लाइट क्या था सुनो, व्हाइट लाइट इज अ हेट्रोक्रोमेटिक मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, मतलब सुनो बहुत सारा इसके पास क्या होता है लाइट आता है, बहुत सारा ईएम वेव्स मिलके बनता है व्हाइट लाइट, जैसे एग्जांपल भीम ग्योर बोलो आए ना, इसमें बहुत सारा क्या है, बहुत सारा क्या है सात वो कलर क्या है हमारे पास अलग अलग कलर का लाइट है, उसका अलग अलग वेवलेंथ होगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल करके जो बनाया है मतलब सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी यानी हेट्रो, यानी हेट्रो सेम होता तो होमो अलग है तो हेट्रो, इसलिए उसको क्या बोले हेट्रोक्रोमेटिक लाइट, अब समझ में आए मोनोक्रोमेटिक क्या है, क्या समझे नहीं समझे मोनोक्रोमेटिक, जिसका एक वेवलेंथ हो या फिर एक फ्रीक्वेंसी हो, जिसका दो वेवलेंथ हो या फिर दो फ्रीक्वेंसी वो क्या क्या डाइक्रोमेटिक, तीन वेवलेंथ या तीन फ्रीक्वेंसी ट्राइक्रोमेटिक, समझा क्रोमेटिक किसको बोल रहा है, क्रोमेटिक एक तरह से बोला जा रहा है हमारा ओरिजिन को, समझो जहां से निकल रहा है वो सिखाएंगे चिंता मत करो बढ़िया सिखाएंगे, जैसे हम दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट करके स्लैब वाला तो तुमको दिखाएंगे कैसे क्रोमेटिक होता है, ठीक है क्लियर हो जाएगा, पहले यहाँ ध्यान रखो उस पर सवाल भी नहीं पूछा जा रहा, चलो क्रोमेटिक तुम लिख के रखो कहीं बस बढ़िया से क्लियर कर देंगे, देखो तुम बता रहे होता क्या, सुनो बता रहा ग्लास लेवल वाला जो हाइजेंस प्रिंसिपल करता है ना एक्सपेरिमेंट, तो उसमें एक कंडीशन डालता है कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, समझे उसी के लिए हम लोग क्रोमेटिक का यूज करते हैं, दिखाएंगे तो बढ़िया सभी समझाएंगे समझ में आएगा नहीं तो लोग इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्या कि आगे पढ़ाएंगे नहीं करते तो समझ में नहीं आएगा, नोट करो सारा पॉइंट खत्म, हाँ सारा पॉइंट खत्म, ठीक है ठीक है बेटा इसको मिटा दे, एक कोई मिटा दे, यहां तक ऑप्टिक्स तो इजी लग रहा ओए, यहां तक इजी है ना, अरे पूरा ऑप्टिक्स से इजी है यहां तक, थोड़ा डिफरेंशिएशन हो जाए अब आने वाला है, नहीं बोलने से कुछ नहीं हो सकता है, तो हल्का सा आएगा तो x पावर n का फॉर्मूला आता है ना n x पावर n माइनस वन हो जाएगा काम, उतना में काम हो जाएगा, फिजिक्स में डिफरेंसेस उतना ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, ठीक है
लिखो फॉर टू फिक्स्ड पॉइंट फर्मेट प्रिंसिपल, हेडिंग डालो फर्मेट प्रिंसिपल, फर्मेट प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट का नाम है ठीक है ना, फर्मेट एफ टू फिक्स्ड पॉइंट, एफ टू फिक्स्ड पॉइंट सुनो, एफ टू फिक्स्ड पॉइंट आर देयर देन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय द पाथ इन विच टाइम टेकन इज ऑप्टिमम, इन विच टाइम टेकन इज ऑप्टिमम, नया वर्ड आ रहा है ऑप्टिमम मतलब नहीं पता, नहीं पता लिखो नहीं लिखो क्या बोले थे हम, इन टू फिक्स पॉइंट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ लाइट ऑलवेज द लाइट ऑलवेज ट्रेवल, लाइट ऑलवेज ट्रेवल बाय द पाथ इन विच टाइम टेकन इज ऑप्टिमम, इज ऑप्टिमम। तो लोग मैक्सिमम सुना है मिनिमम सुना है, ये क्या ऑप्टिमम समझ सही बोला, ये दोनों को मिलाने वाला है, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम, दोनों को साथ बोल दिए ऑप्टिमम, हाँ टू इन वन बाय टू गेट टू थ्री ठीक है। ऑप्टिमम मतलब या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, हमको पता नहीं क्या होगा ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, डायग्राम ग्राम बनाएंगे इसका प्रूफ करके दिखाएंगे। तेरे बिन हो गया, यहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमम मिनिमम या फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम केस में मिनिमम ही लिखते हैं हम लोग ठीक है, जो फॉर्मेट प्रिंसिपल में लिया ना, मैक्सिमम केस में क्या लिए मिनिमम, इसको लिख रहे हैंडल हेडिंग मैक्सिमम के साथ ना इंसाफी हो रहा है ना। देखो मान लो ये पॉइंट ए है, ये मान लो एक पॉइंट बी है, ये मान लो कुछ जमीन उमीन हो गया, कुछ रेफरेंस पॉइंट क्या ऐसा कुछ मान लो, मान लो लाइट ए से बी किया, ए से ठीक है ना, सुनो अब मान लो ये हमारा कुछ डिस्टेंस है, जमीन से ये कुछ डिस्टेंस है मान लो ए, जमीन यानी जो चीज बोल सकते हैं, ये मान लो बी ठीक, ये पूरा डिस्टेंस मान लेते हम लोग एल ठीक है ना। ध्यान से देखो ए बी हमारा कौन सा लेंथ हो गया, मिनिमम लेंथ, कौन सा लेंथ हो गया मिनिमम, बोलो हाँ ना। तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है कोई बता सकता है, कहीं पे मान लो यहां पर मान लो कहीं पर ये कुछ पॉइंट x दूरी पे क्या क्या होगा, यहां से लेकर के x दूरी पे क्या क्या होगा रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ये दूरी क्या हो जाएगा l माइनस x, अगर ये मान लो दूरी x है तो ये हमारा क्या हो गया l माइनस x, बोलो हाँ हो जाएगा कि नहीं। मतलब लाइट कहीं से कहीं ऐसे आया होगा और ऐसे रिफ्लेक्ट करके गया होगा, बोलो हाँ या ना, लाइट ऐसे आया होगा ऐसे वापस गया होगा है कि नहीं, और यहां पर कहीं ना कहीं नॉर्मल रहा होगा, बोलो हाँ या ना, मतलब ये हमारा इंसिडेंस रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा इंसिडेंस रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड, बोलो हाँ या ना। अल्टरनेट एंगल,
पता है कि नहीं अल्टरनेट एंगल, ये बात क्लियर डायग्राम सब को, सब को डायग्राम क्लियर है? हमारा दो तरीका रहा है, एक ऐसे ऐसे गया होगा, एक ऐसे गया होगा, बोला है ना? ठीक है, तो ऐसे वाला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दो, जिसमें न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा बी, ये हमारा एल, तो ये जहां पर गिरा होगा मान लो कुछ एक्स दूरी पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स, ये एक्स रिफ्लेक्ट किया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अल्टरनेट एंगल, समझ आते यहां तक क्लियर है? ठीक है, पॉइंट नाम देना है, दे दो नाम, दे दो दे दो, यहाँ पर सी दे दो, यहाँ ए दे दो, यहाँ डी दे दो, ठीक है ना, और पॉइंट ए नहीं, यहाँ पर दे दो ई, ए दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, पॉइंट नाम दे दिए, ठीक है ना, मिटाइए मिटाइए नहीं, नोट करो, मतलब बना लिया बढ़िया से, क्या किए पहले जैसे बनी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, नोट करो बढ़िया से, डेट निकला है तो कंफर्म है, क्योंकि वेबजी का एग्जाम नॉट पोस्टपोन्डेड, बोलो अभी अभी क्लास चलेगा, फरहान कुछ नहीं कह सकते, तो अचानक हमको समझ में नहीं आया, बताओ सबको छोड़ करके कैसे पढ़ाएंगे, तो नहीं देखो एग्जाम अभी हर्ष में देखा है, देखो स्कूल ड्रेस में, हम भी गए थे ना, फिजिक्स का क्लास चल रहा है, लाइन से चल रहा है, 25 दिसंबर तक फिजिक्स खत्म हुआ, इसीलिए बोल रहे 20-25 मार्क्स एक दिन में, वही वीडियो देखेगा हाउ टू स्कोर 99 मार्क्स इन वन डे, हाँ तो वन डे वाला तो यूट्यूब पर देख लो, बहुत सारा है, नोट करो इसको, हो गया ए टू बी लिख लिए, अच्छा बी एक तो ई दे देना, क्या ई देखो अगर दो पॉइंट फिक्स है, ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल बाय द पाथ इन विच द टाइम टेकन इज ऑप्टिमम मिनिमम या मैक्सिमम, सुनो इसका लेंथ तो आराम से निकाला जा सकता है, बोलो कैसे, ट्रेपीजियम है तो आराम से निकाला जा सकता है कि नहीं, ठीक है ना, मसला पता किसका लेंथ निकालने में आता है, मसला आता है ये वाला लेंथ निकालने में, है कि नहीं, ये लेंथ कैसे निकाला जाए, है कि नहीं, मिनिमम वाला चलो निकल गया, ठीक है निकल गया, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मतलब मिनिमम आराम से निकाल सकते, बोलो कैसे, इतना पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये पता तो ये ऐसे कर लेंगे, ये पता चल जाएगा, ये पता चल गया, आराम से पता चलेगा, ट्राइंगल बना है कि नहीं, ये ऐसे करके आराम से करेंगे, तो ये पता है, ये पता हो जाएगा, ये पता है, ये पता हो जाएगा, ये आराम से निकाल लेंगे, बोलो है क्लियरली ट्राइंगल, अरे पता है कि नहीं ट्राइंगल में किया नहीं 9-10 में, ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये हमको ये मालूम है, तो ये हमारा निकल जाएगा, ये निकल गया, ये निकल जाएगा, देखो हाँ प्रॉब्लम होता है इसको निकालने में, इसको कैसे निकाला जाए, है कि नहीं, देखो ए बदमाशी का कर, कौन कर रहा है, हर्ष हर्ष बदमाशी मत करो, ध्यान दो ध्यान दो, सुनो सुनो ध्यान दो, अब क्या होता, सुनो मतलब इसका लेंथ बोले तो ए प्लस ई बी होगा, बल है ना, लेंथ क्या होगा हमारा, लेंथ ऑफ रे क्या होगा, ई सिंगर वीडियो चल रहा है, थोड़ा बाद में करना, हलन है, लेंथ ऑफ रे क्या, ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी बोला ना, लेंथ क्या, ए प्लस ई बी, मतलब अगर हमको ए मालूम चल जाए और ई बी मालूम चल जाए तो आराम से हम उसका लेंथ निकाल सकते हैं, बोलो है ना, ध्यान दो, बोलना नहीं खाली सुनना, ध्यान दो, ध्यान से देखें, ए डी ई को देखो, एक ट्राइंगल नहीं दिख रहा,
बोलो हाँ ना, मतलब इन ट्राइंगल ए डी ई, देखो ये 90 डिग्री नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल, बोलो हाँ ना। यस सर। और ये ट्राइंगल को देखे, इन ट्राइंगल बी ई सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ई है, ई बी ई सी राइट एंगल नहीं है, 90 डिग्री में। अरे ठीक है, बी ई सी बी सी एक ही चीज है बाबा, कहीं नहीं है, लाइन से है। अब देखो ए डी ई में देखो, ये एंगल मान लो इंसिडेंस एंगल है, ठीक है ना, इसका अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज और ये हमारा बेस, बोला है ना। तो अगर हम इसमें साइन लगाते हैं वो क्या मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, बोला है ना। और हमको बेस भी हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या करेंगे, ध्यान रख क्या क्या मालूम हमको, मेरे पास पहले परपेंडिकुलर मालूम है ना, परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है, ठीक है ना, और बेस कितना है हमारा, ए है ना। और अगर हम ये निकालने जाएं तो अंडर रूट, इसको बाद में करते, पहले अंडर रूट ये क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, अरे हाँ या ना। और अगर हम ये निकालने जाएं, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है, बोलो हाँ ना। मतलब अगर हम बात करें ए डी ई में, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम बी का बात करें, क्या जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस, अरे पता है रे भाई तू ज्यादा तेज है, बिल्कुल हल्ला नहीं, सुनो बाकी डिस्टर्ब है, बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए और ई बी दोनों हमको मिल गया आराम से। तो अगर हम लेंथ ऑफ रे पूछे, आराम से बता सकते हो चिपका करके, बोलो हाँ ना। लेंथ ऑफ रे क्या जाएगा, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ रे क्या जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए प्लस ई बी, ए कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। हाँ या ना, होगा कि नहीं, लेंथ आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। मसला लेंथ का नहीं है, तुमसे लेंथ पूछा तो आराम से बता सकते हैं। सुनो मसला क्या बोला, ये क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम, क्या बोला है, मैक्सिमम या मिनिमम। तुम ही बताओ कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, जीरो। डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, जीरो। मतलब कहने का अर्थात क्या है, डीएल बाय डीएक्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो। डीएल बाय डीएक्स क्या होना चाहिए, जीरो, फॉर ऑप्टिमम, फॉर ऑप्टिमम। मतलब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें और उसको जीरो बराबर करें, तो करके देखो पूरा टर्म को डिफरेंशिएट कर, हाँ करना। देखो इसको डिफरेंशिएट मानना एल वाला को, ध्यान से देखो, तो डी डी एल करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एल बराबर डी डी एक्स ऑफ दोनों साइड, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एल ऑफ डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अभी बात नहीं करेगा, अभी हम सिखा रहे तो बात कोई नहीं करेगा, ध्यान दो क्या जाएगा, डी एल बाय डी एक्स रूट का, पहले कौन आया, रूट, पहले कौन आया, रूट। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स, पता है कि नहीं, रूट एक्स का क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स, समझ आया, रखना ये पूरा अंदर वाला एक्स हो गया, मतलब वन बाय टू रूट एक्स इंटू चेन रूल, इसका अंदर वाला, किसका, डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां भी अंडर रूट के अंदर है सब चीज, तो वन बाय टू रूट एक्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंदर वाला, यहां तक क्लियर सब को, किधर मिटाए, ऊपर कर दे, यहां कर दे, देखो यहीं कर देते हैं, देखो सुनो ध्यान से देखो, अब ए स्क्वायर का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, 2x का x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x,
मतलब dl बाई dx की जगह क्या रख देंगे हम, क्या रख देंगे, जीरो. मतलब जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 2x बटे 2x, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बोलो हाँ ना, बराबर प्लस, ध्यान दो माइनस की प्लस, प्लस ना. अरे वहां बोल रहे हैं रूट ए स्क्वायर प्लस, क्यों माइनस होगा, अंदर 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 ऊपर 2x जो लिखे हैं यहां पर, जहां आप लिखे हैं जीरो इज इक्वल टू ऊपर ऊपर लिखे ना. हां अच्छा, और माइनस लिख दिए हैं. अच्छा गलती हो गई लिखने में, सॉरी माफ करना. यहां देखो b स्क्वायर कांस्टेंट का जीरो. अब ये देखो x स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x l माइनस x. बोलो हाँ ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 अंडर रूट b स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर. बोलो हाँ ना, 2 2 कटा, 2 2 कटा. अब एक चीज गलती, एक चीज और होता है, पढ़ो क्या, हाँ चेन रूल ddx ऑफ l माइनस x, ddx ऑफ l माइनस x. सही बात, सही बात. अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहां क्या बच रहा, देखो सुनो, x अपॉन 0 बराबर x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सुनो l माइनस x ऐसे ही है, इंटू l का तो 0 कांस्टेंट है, माइनस x का माइनस 1, मतलब क्या होगा यहां पर माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा है कि नहीं, माइनस वन इंटू समथिंग माइनस, समझ लो, डिवाइड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर. बोलो है ना, माइनस वाले उधर ले चले जाते हैं. देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एल माइनस एक्स अपॉन, अभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, पहले देखेगा क्या बन रहा है यहां पर, ध्यान से देखो सुनो क्या बन रहा है. देखो x अपॉन l माइनस x, x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है, कौन थीटा है इंसिडेंस एंगल, मतलब ये क्या जाएगा साइन i, क्या जाएगा साइन i इज इक्वल टू l माइनस x अपॉन इतना, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी साइन r, क्या हो जाएगा साइन आर, यही हमारा क्या है, तो यहां से क्या सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही हमारा क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. हाँ मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिराइव कैसे किया जाता है, क्या बोलता है फर्मैट प्रिंसिपल से, ये टेन में नहीं है, स्कूल में भी पता होगा ना, नहीं पागल है क्या, माथा खपाने जाएगा इतना बताने के लिए. फर्मेट प्रिंसिपल में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से आया, फर्मेट प्रिंसिपल से, कहां से आया क्या था, पहले बढ़िया से निकाले हम लोग, लेंथ निकालिए उसको डिराइव किए ऑप्टिमम किए आराम से साइन आई बराबर साइन आर आ गया, वो से हमको क्या पता चला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नोट डाउन करो.